फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फैक्ट्री पीटी। फ्रेंड्स, ये देखिए कितना खूबसूरत सा वॉल डेकोर मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। बहुत आई कैचिंग है, बहुत ही ज्यादा दिल को खुश कर देने वाला है। ये देखिए, मैंने लिपन आर्ट के साथ कुछ नया इसमें ट्राई किया है। आई थिंक ये मीनाकारी आर्ट के जैसा लुक है इसका, और बहुत ही प्यारा है। MDF बोर्ड पर बनाइएगा या फिर केक बेस पर बनाइएगा मेरी तरह। मैंने ये केक बेस पर बनाया है और सच मानिए फ्रेंड्स, ये इतना इजी है और बहुत ही अच्छा है। मेरी हैंडमेड क्ले से मैंने ये बनाया है और इस क्ले की रेसिपी मैं आपको बहुत जल्द एक अलग वीडियो में दूंगी। इस वीडियो में देती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती और आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहता। सो हम अब ज़्यादा बातें नहीं करते, इस बेहद खूबसूरत से आर्ट पीस की देखते हैं वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट द प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, मैं ले रही हूँ ये केक बेस, और केक बेस पर मैंने हल्का हल्का सा डिज़ाइन पहले से ही बना लिया है। और ये देखिए मेरी होममेड क्ले जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, बहुत स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही इजीली ये सेट भी हो जाती है। इसमें बिल्कुल भी हार्डनेस नहीं है, और हाँ, लेकिन इसको ड्राइनेस के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। सो प्रोसेसर वही है क्ले से काम करने का कि टैल्कम पाउडर के साथ हम उसको जो है ना शेप्स देते जाएंगे, और जिस भी शेप में आपको लगानी है या जिस भी रोलिंग पर आपको करनी है। तो मैं देखिए इसको रोल करके थोड़ा लंबा बना रही हूँ ताकि मुझे जॉइंट ना लगाना पड़े, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता हम कोई काम करें और उसमें गड़बड़ ना हो, जॉइंट हमें लगाना ही पड़ता है। सो फेविकोल की हेल्प से भी आप लगा सकते हैं, और ऐसे भी ये क्ले है ना स्टिक हो जाती है। इस क्ले की रेसिपी मैं आपको ज़रूर दूंगी। इस क्ले की क्या, मैं आपको 5 तरह की क्ले की रेसिपी बहुत जल्दी से देने वाली हूँ। सो चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिएगा और अपडेट रखिएगा खुद को बेल आइकन की हेल्प से, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले और आप पहले हर चीज़ को सीख सके। तो ये देखिए जो है ना एक्स्ट्रा क्ले मैंने हटा दी है, और ये देखिए बिल्कुल अपनी परफेक्ट शेप में ये है और बहुत अच्छे से स्टिक भी हो गई है। तो इसी तरह से जितने भी डिज़ाइन पर आपको ये लगानी है इसको बनाते जाइए, और आप फेविकोल की हेल्प से लगाएंगे तो थोड़ा सा ये इजीली जो है ना आपकी भी कन्वीनियंस रहेगी कि ये नहीं रहेगा कि ये उतर जाएगी, अदरवाइज़ ये ऐसे भी स्टिक हो जाती है। मैंने ट्राई किया है इससे इस तरह से भी वर्क करने का, लेकिन मैं इस पर फेविकोल इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा हमारा केक पीस जो है ना वो चिकना होता है, और कहीं चिकनाई की वजह से ये जो है ना आपका निकलने ना लग जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा फेविकोल का यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने पेटल शेप बनाया है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, बहुत ईजी डिज़ाइन है। फ्रेंड्स, फॉलो कीजिएगा ज़रूर इस डिज़ाइन को, और कोशिश कीजिएगा कि आप भी ये बनाएं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा है बनने के बाद। मैंने सोचा नहीं था कुछ और बनाने के लिए सोचा था, लेकिन बनाते बनाते मैंने पहले भी बताया है कि आप लोगों से बातें करते करते मैं जो है ना उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करती जाती हूँ और वो कुछ और ही बन जाती है, लेकिन रिज़ल्ट हमेशा बहुत खूबसूरत आता है। सो ये देखिए अब किस तरह से मैं लगा रही हूँ, आप कैसे भी लगा सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। मुझे जो डिज़ाइन अच्छा लगा था मैं वो डिज़ाइन लिया है, और जो हमारे पैलेट नाइफ होते हैं ना मैं उसकी हेल्प से कट कर रही हूँ जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है। सो फ्रेंड्स, आप लोग जब ये काम करेंगे ना तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि साथ साथ जो थोड़ा सा हमारा ये जब तक सॉफ्ट है ना हम इस पर इम्प्रेशंस दे सकते हैं। सो इम्प्रेशंस देते रहिएगा, अगर नहीं देना चाहते तो उसको एज इट इज़ भी आप छोड़ सकते हैं। मैंने कोशिश की है इसमें अलग अलग तरह से इम्प्रेशन देने की। सो मैंने कुछ क्रोशिया से इम्प्रेशन दिए हैं, कुछ अलग अलग स्क्वायर के रूप में दिए हैं, और कुछ सिंपली जो वो सब देते हैं उस तरह से इम्प्रेशन भी मैंने इसमें दिए हैं। सो फ्रेंड्स, जब आप काम करेंगे ना तो ये चीज़ें तो ऐसे भी आपके माइंड में आती रहेंगी, और ऐसे भी आप लोग ये चीज़ है ना जो करते रहेंगे, क्योंकि हम एक आर्ट नहीं करते और आप लोग भी एक वीडियो नहीं देखते, बहुत सारी वीडियो देखते हैं, कई वीडियो से एक बना कर फिर आप अपना आर्ट पीस तैयार करते हैं। लेकिन मेरी मानिए, आप ये आर्ट पीस पूरा का पूरा एज इट इज़ तैयार कीजिएगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। आप चाहे तो MDF बोर्ड पर या किसी प्लेट पर भी आप इसको बना सकते हैं।
केक बेस थोड़ा सा शाइनी था तो मैंने इसको रख लिया था संभाल कर। अभी मेरी बेटी का बर्थडे था तो ये उसी के केक बेसेस हैं जो आप बार बार देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए कितना जो है ना ब्यूटीफुली ये शेप लेता जा रहा है, और जहाँ हमने स्टिक किया है ना ये वहीं की वहीं रुक गया है, कहीं से भी जो है ना स्लिप नहीं हो रहा है, बिल्कुल अपनी जगह पर फिक्स हो जाता है। ये क्ले इतनी अच्छी है फ्रेंड्स कि मैं इसकी फ़ैन हो गई हूँ, मैं और भी बनाऊँगी। अब ये देखिए मेरी नन्ही परी भी लगी हुई है मेरे साथ क्ले वर्क करने में, किस तरह से पाउडर के साथ खेल रही है। सो अपने बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व ज़रूर किया कीजिए फ्रेंड्स ऐसे कामों में, क्योंकि इससे उनका ना जो आपके साथ रिलेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और वो भी इस चीज़ को करने में ना बहुत इंजॉय करते हैं। ये मत सोचिएगा कि इन कामों से उनके हाथ गंदे होंगे, कपड़े ख़राब होंगे या फिर उनका टाइम वेस्ट होगा। ये सब काम है ना कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है फ्रेंड्स, और मदर और किड्स की जो बॉन्डिंग है ना उसको तो स्ट्रॉन्ग करता ही है। सो फ्रेंड्स, अब वो टाइम तो रहा नहीं कि बच्चे खुद ब खुद आर्ट सीख जाते थे, अब उन्हें सिखानी पड़ती है। और सीखेंगे कब? तब जब वो आपके साथ बैठकर करेंगे, वो क्वेश्चंस पुट करेंगे और आप उन क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा, साथ साथ उनके उनसे वर्क कराइएगा, देखिएगा वो कितने खुश होंगे और ख़ुद भी कहेंगे कि ये मैंने और मम्मा ने मिलकर बनाया था। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं इसको शेप दिए जा रही हूँ, और किस तरह से जो है ना इसको आपको शेप देनी है, आप डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंगली भी ले सकते हैं। मैंने जो ये फ्लावर बनाया था ये कंपास की हेल्प से थोड़ी थोड़ी मैंने इसमें जो है ना आउटलाइन ले ली थी, ताकि मेरा डिज़ाइन इधर उधर ना हो। कई बार ये है कि हम जब किसी सर्कल पर काम करते हैं ना तो हमारा डिज़ाइन इधर उधर हो जाता है, सेंटर में नहीं हो पाता है, तो वो सारी शेप ख़राब कर देता है। इसीलिए पहले से अगर हम इसका ध्यान रखेंगे तो हमारी जो है ना डिज़ाइंस की शेप ख़राब नहीं होगी। तो अब ये देखिए, वैसे तो इसमें वैसे भी मिरर फिट हो जाता, लेकिन मैंने जो है ना मिरर किया है फिट फेविकॉल की हेल्प से। ये स्टिक भी इजीली हो गया है और इसके अंदर बिल्कुल फिट हो गया है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना फ्लावर हमारा, और अभी तो इसमें बहुत काम बाकी है फ्रेंड्स। सो आप लोग देखते जाइए कि क्या से क्या बनकर तैयार होगा। एक साधारण सा सिंपल सा दिखने वाला केक बेस इतना भी खूबसूरत लग सकता है, मैंने भी नहीं सोचा था। सो मेरे पास जिस शेप के मिरर्स थे ना, मैं वही शेप्स इसमें यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जिस भी शेप के मिरर्स होंगे ना, आप उनको यूज़ कर सकते हैं और उनको आप जो है ना किसी भी स्टाइल में पेस्ट कर सकते हैं। एक पैटर्न, एक सिमेट्री लेकर चलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि सिमेट्री और पैटर्न के बिना ना वो खूबसूरती नहीं आती चीज़ में जो हम चाहते हैं। कहीं ना कहीं से ख़राब लगने लगता है, थोड़ा सा आड़ा तिरछा हो जाता है। तो ये देखिए, अब मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लास कलर्स। जी हाँ दोस्तों, मीनाकारी लुक है ना ग्लास कलर से आता है, लेकिन किस तरह से आता है आप पूरा जो इसका प्रोसेस है ना वो समझेंगे तभी आपको पता चलेगा। अब ये देखिए, नीचे से ये बेस गोल्डन था ना, तो हमने इस पर जो ग्लास कलर डाला है तो उसकी वजह से ये जो है ना इसमें शाइन आ गई है, इसलिए ये ऐसा लग रहा है जैसे हमने मीना फिट कर दिया हो हमारे वर्क में। सो फ्रेंड्स, ये देखिए रेड कलर से ही हमारी ग्रेस कितनी सुंदर आई है ना, कहीं पर भी इसको हैंग कीजिएगा, बहुत ब्यूटीफुल लगने वाला है, बहुत औसम फीलिंग आती है। और अब आगे दिवाली आएगी, तब तक बहुत सारे इस तरह के क्राफ्ट्स हम बनाएंगे और अपने घर को रोशन करेंगे। सो मैंने केक पेस का पहले भी बहुत जगह यूज़ किया है फ्रेंड्स, ऐसे ही मत फेंक दिया कीजिए, ये भी बहुत यूज़फुल होते हैं। इवन मैंने शुभ लाभ भी बनाए थे केक बेस से और बहुत ही खूबसूरत बने थे फ्रेंड्स। मैं आपको बता नहीं सकती कि वो जो है ना लगने के बाद कितने यूनिक और कितने ब्यूटीफुल लग रहे थे। सो आप चैनल पर जाकर उसकी वीडियो ना ज़रूर देखिएगा एक बार, और तभी आपको समझ में आएगा कि एक केक बेस कितने कमाल कर सकता है। मैं हमेशा ये संभाल कर रखती हूँ और हमेशा ही कुछ ना कुछ नया इन पर करने की सोचती हूँ। सो ये आइडिया देखिए मेरे दिमाग में बस काम करते करते ऐसे ही आया। और देखिए, टू टोन शेडिंग हम ग्लास कलर में किस तरह से देते हैं। हमने सिंगल कलर को पहले अप्लाई कर दिया, उसके बाद हमने किया जो सेकंड कलर, हमने वो बिल्कुल कम जो है ना
कम क्वांटिटी में इसमें डाला है और इनर पार्ट है ना जो हमारे फ्लावर का वहाँ डाला है ताकि वहाँ से डार्कनेस शो हो और हमारा फ्लावर हाईलाइट हो। अब मैं जहाँ मैंने ग्लास लगाए थे ना, बहुत सावधानी के साथ ग्लास पर कलर ना गिरने पाए फ्रेंड्स, नहीं तो हमारे ग्लास की शाइनिंग चेंज हो जाएगी। सो मैं उसके जो बाहर का एरिया है ना वहीं पर ये कलर डाल रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा सावधानी से, अगर ग्लास पर थोड़ा बहुत लग भी जाए ना तो उसको हाथों हाथ यानी कि साथ साथ रिमूव कर दीजिएगा ताकि जो है ना वो आपके उस पर ड्राई ना हो जाए। अब जो भी बबल्स हैं ना उनको ख़त्म कर दीजिएगा किसी भी नुकीली चीज़ या सेफ्टी पिन की हेल्प से। और मैंने इसमें डबल जो है ना दो बार शेडिंग की है, मतलब इसको एक बार में करके नहीं छोड़ा है, अच्छे से फिल किया है, तभी इसका जो है ना लुक इतना ब्यूटीफुल आया है। तो ये देखिए सभी बबल्स को ख़त्म कर दीजिएगा, अदरवाइज़ आपकी जो है ना इसमें वो शो होगा गैप कलर के बीच में ड्राई होने के बाद। सो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए मैंने जो इसमें वर्क किया है ना वो कितना प्यारा लग रहा है मुझे तो रियली में। मैं कहूँ तो एक कोस्टर भी है ना, कोस्टर ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ हो गया, इस तरह से आप कोस्टर भी बना सकते हैं और बहुत ही प्यारे लगेंगे। अभी हम थोड़े दिन में ना टेबल डेकोरेशन का कुछ काम करेंगे और किस तरह से करेंगे वो आप अब मेरे साथ जुड़े रहेंगे तभी आप सीख पाएंगे। तो ये है आज की जो मेरी वीडियो है ना, ये है डे 3 वीडियो 10 डेज चैलेंज में से। सो तीसरे दिन की वीडियो आप लोगों के पास आ रही है, अब देखिएगा कल क्या वीडियो मैं लेकर आऊँगी। और अभी ये गीला है, अभी ड्राई हो जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक कितना प्यारा आया है और किस तरह से इसको हैंग करना है। सो अभी जो है ना इसका काम बाकी है, मैंने इस पर ब्लैक कलर नहीं किया है। एज यूजल सभी जो है ना क्ले वर्क पर ब्लैक कलर करते हैं फिर उस पर गोल्डन कलर करते हैं, तो मैंने इसको बिल्कुल ही ट्रेडिशनली रखा है। आप चाहें ना तो इसको पूजा में भी यूज़ कर सकते हैं, इसके बीच में जो गोल हमने मिरर लगाया है ना, या फिर ये मिरर ना भी लगाए तो आप यहाँ पर एक दिया जो है ना वो फिक्स कर सकते हैं और जब भी दिवाली की पूजा हो या कोई भी पूजा हो ना उस दिए में आप जो जगाइएगा और देखिएगा कितना खूबसूरत लगेगा, ये बहुत चमकेगा उसके साथ। और जैसे जैसे दिए का प्रकाश झिलमिल करेगा ना तो ये भी साथ साथ ऐसे ही झिलमिल करेगा। मैं आपको इसमें दिखाना भूल गई मगर मैं ये आइडिया आपको दे सकती हूँ कि इस तरह से आप थाली डेकोरेशन के बीच में भी इसको जो है ना पेस्ट कर सकते हैं एक प्लेट में, और आसे पासे जो साइड में है ना इसके, तो वहाँ पर आप अपना पूजा का सामान रख सकते हैं और इसके बीच में दिया आप जगा के रख सकते हैं। सो ये देखिए कितना प्यारा सा ऑथेंटिक सा लगा है ना, इसीलिए मैंने इसमें ब्लैक कलर भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि पूजा की जो चीज़ें होती हैं उनमें हम ज़्यादातर इंडियंस की मेंटेलिटी होती है कि हम ब्लैक कलर का कम से कम यूज़ करें या ना करें। सो मैं इसमें रेड ग्रीन ब्लू गोल्डन यही कलर यूज़ किए हैं और इन कलर से भी ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। देखिए हम क्ले पर अगर ब्लैक कलर ना भी करें ना तो भी वो खूबसूरत लग सकती है। कुछ ना कुछ यूनिक करने का हमेशा मेरा जो है ना वो रहता है मन कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक ही लेकर आऊँ अपने जो है ना व्यूवर्स के लिए, क्योंकि आर्ट फैक्ट्री PD पर आपको हमेशा नई चीज़ें मिलती है। सो ये देखिए फ्लावर है ना जो उसको हम रेड कलर दे रहे हैं, आप चाहें तो ग्रीन कलर भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने रेड कलर इसलिए दिया है क्योंकि हमारा जो बाहर की बाउंड्री है ना वो रेड है, तो वो सेंटर बाउंड्री के साथ जो कंट्रास्ट हो जाए इसीलिए मैंने उसको रेड एक्रेलिक कलर से पेंट किया है। इस पर मैंने ग्लास कलर नहीं डाला है क्योंकि इस पर वो शाइन नहीं आएगी जो हमारे केक बेस पर शाइन आई थी। तो ये देखिए जो रेड कलर होने के बाद ये फ्लावर कितना प्यारा लग रहा है, आप एज इट इज़ वाइट भी इसे छोड़ सकते हैं, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। सो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, हमारा हर जगह से ये जगमग कर रहा है और खूबसूरत लग रहा है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके आप ऑल का नोटिफिकेशन जो बेल है ना उसको सेट कर लेंगे तो आपको हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी।
सो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये काफ़ी तरह से डिस्प्ले करके दिखा दिया है, आप बनाइएगा और फिर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर्ट फैक्ट्री पीडीए।